नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिपीटेड नंबर 7 के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहाँ से मैं बेसिक एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको मेरा एस्ट्रो स्कूल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर ये लोशु ग्रिड का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप आई आइकन पर जा करके भी लोशु ग्रिड का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, ये वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग सॉफ्टवेयर है न्यूरोलॉजी का। तो आप 7 डेज का फ्री ट्रायल है, उसके बाद आप बेसिक प्लान पे आते हैं, वो भी फ्री है विथ लिमिटेड फीचर्स। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो 15 दिसंबर 2021 से एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, इनरोलमेंट ओपन है। तो चलिए आइए देखते हैं, नंबर 7 अगर आपके चार्ट में एक से ज़्यादा बार आता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो नंबर 7 को सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। नंबर 7 जो है एक स्पिरिचुअल नंबर है। जब मैं स्पिरिचुअल नंबर कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलीजियस है। स्पिरिचुअल का मतलब है ये ट्रूथ सीकर है, इसको सच्चाई जानना है। ये रिसर्च माइंडेड वाले लोग हैं जो कि खुद से डीप डाइव डालते हैं और कुछ जो अननोन है, जो लोगों को पता नहीं है, उसको रिसर्च करके बाहर लेकर के आते हैं। तो नंबर 7 का जो स्पेशलिटी है वो है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, उसे कोई टॉपिक दे दिया जाए, वो जाके डीप डाइव लेकर के ट्रूथ सीकर जिसको कहते हैं वो है। इसीलिए वो अपने स्किल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। 7 जो है ट्रूथ पर विश्वास करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट साइंस ये सब में उनका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज़ जो है उसमें भी 7 का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये जितने भी छिपे हुए चीज़ हैं उसमें 7 का इंटरेस्ट रहता है। 7 का एक ड्रॉबैक है कि रिलेशनशिप को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए जो है ये रिलेशनशिप में डिस्टर्ब करता है। तो 7 अगर वास्तु के अनुसार देखें तो ये पश्चिम दिशा को बताता है। पश्चिम दिशा में जो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एरिया है वो है आपका नॉलेज, विजडम और क्रिएटिविटी का। तो अगर 7 डिस्टर्ब होता है आपके चार्ट में तो ये एरिया जो है नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी, ये एरिया जो है डिस्टर्ब करता है। बच्चे के साथ रिलेशंस को भी 7 जो है डिस्टर्ब करता है। दूसरा, 7 जो है आपका जोड़ में दर्द, इस चीज़ को भी बताता है अगर ये डिस्टर्ब है तो। जॉइंट्स पेन और पैर में दर्द, ये दो एरिया को ये बताता है। 7 अगर डिस्टर्ब है तो नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड, माइंड का स्कैटर्ड हो जाना, मतलब एनर्जी जो है वो बहुत जगह पे जाना और समझ में नहीं आना कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब माइंड जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है ये। 7 अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और 8 भी है आपके चार्ट में तो ये आपके बेड प्लेजर को, सेक्सुअल रिलेशंस को भी डिस्टर्ब करता है। तो अगर हम देखें 7, तो आइए देखते हैं 7 अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो 7 अगर आपके चार्ट में 2 बार आता है तो ये आपका रिलेशनशिप जो है वहाँ पर ये डिस्टर्ब होता है। ये आपको एक रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है या रिलेशनशिप में जो धोखा कह सकते हैं या फिर आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो ब्रेकअप होता है, ये चीज़ आपको लर्निंग देता है, आपका इनवर्ड जर्नी को ये बताता है, और जिसके कारण आपका अकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा जगता है। तो 7 अगर एक से ज़्यादा 2 बार आ रहा है तो आपका माइंड जो है थोड़ा रेस्टलेस रहेगा, उसके अलावा आपका रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। आपको ये फोर्स करता है कि आप फोकस्ड रहें और स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में डालने की कोशिश करें। यही 7 अगर आपका 3 बार आता है, 3 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे जो है ये आपका माइंड को और ज़्यादा रेस्टलेस कर देता है। अगर आपके चार्ट में 5 भी डिस्टर्ब है, 5 भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 7 भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये फिर आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखेगा, ये नींद भी नहीं आने देगा अच्छे से, और आपका बिहेवियर जो है एक समय कुछ और रहेगा, दूसरे समय कुछ और रहेगा। मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग, मतलब जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है 7 और 5 दोनों किसी के चार्ट में, तो जो बिहेवियर जो है लोग कहते हैं कि साइको है, पागल है, ऐसा टाइप वाला बिहेवियर होता है। तो ये दोनों जो है 7-5 अगर बैलेंस रहता है तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लोग, लेकिन यही 7-5 जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, ड्रग्स एडिक्ट और ये सब टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा सनकी टाइप से जो होता है वो।
तो रिलेशनशिप में ये डिस्टर्ब करता है। नंबर सेवन, अगर आपके चार्ट में चार बार आता है तो मतलब नंबर सेवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब आपको अपने माइंड का जो है ख्याल रखना पड़ेगा और आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आपको एक एरिया में फोकस करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे है आपके लिए। अपने आप को एक अध्यात्म या एक किसी टॉपिक से जोड़ के रखिए, इन्वॉल्व रहने की कोशिश कीजिए। ये सेवन अगर आपके चार्ट में फाइव भी डिस्टर्ब है, मतलब एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गहरी नींद लेने का, क्योंकि ये नींद के को प्रॉब्लम करेगा और आपका जो बिहेवियर है कभी कभी बहुत ही सनकी या साइको टाइप का हो सकता है। यही आपका चार्ट में एट भी डिस्टर्ब है, तो ये सेवन एट जो है बेड प्लेजर और इस चीज़ को डिस्टर्ब करता है मैरिटल लाइफ में। जब सेवन बहुत ज़्यादा आता है तो ये रिलेशनशिप में धोखा, चीटिंग और रिलेशनशिप में ब्रेकअप को बताता है, और एक बॉन्डिंग जो ब्रेक करना कहते हैं रिलेशनशिप को, ये इस चीज़ को शो करता है। तो चूँकि ये माइंड से रिलेटेड चीज़ है, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि सेवन अगर आपके चार्ट में एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो अपने आपको रिलैक्स रखिए, गहरी नींद लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहला चीज़ वो वहाँ पे डिस्टर्ब करता है। बेड नींद वाला जो पार्ट है उसको ही सबसे पहले ये इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा आप जो बोलते हैं, स्पीच जो है उसको थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि सेवन जो है बहुत ही तीखा बोलता है कभी कभी, तो बहुत ही चुभता है लोगों को, तो वो भी आप जब आपका नंबर सेवन एक से ज़्यादा बार आता है तो उस चीज़ को केयर कीजिए, अपने बोलने को जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप कैसे बात करते हैं। अदरवाइज सारा चीज़ अच्छा है। आप स्पिरिचुअल हैं, आप रिसर्च माइंडेड हैं, आप ही वो लोग हैं जो कि हिडन ट्रुथ को लोगों के सामने लेके आते हैं, साइंटिस्ट टाइप के लोग, ताकि लोग उस चीज़ को यूज़ करके अपने लाइफ को इन्हांस करें। पाइथागोरियन के लिए सेवन नंबर सबसे फेवरेट नंबर था, क्योंकि यही लोग थे जो कि समाज में डिफरेंस लाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस नंबर सेवन को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। 15 दिसंबर 2021 से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का, आप ज्वाइन कीजिए। यह प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है जहाँ पर मैं प्रिडिक्शन सिखाता हूँ, और अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। तो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल है, और उसके बाद फिर आप फिर भी उसको बेसिक प्लान को आप एक्सेस कर सकते हैं हमेशा, मतलब ये पेन और पेपर से कहीं बेहतर है इस चीज़ को एक्सेस कर। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाएं, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेरियन, लोसो ग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्ना उसमें पाएंगे। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू, क्योंकि ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाई स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशन और डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए, अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।